ओके, सो हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है इस स्पेशल वीडियो में। मेरा नाम है मानवेंद्र कुमार और मैं रहता हूँ यूरोप के एक बेहद ही खूबसूरत से शहर प्राग में। तो चलिए, आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एमबीए प्रोग्राम के रिगार्डिंग। यहाँ पे मेरे दोस्त, मेरे रूममेट तुषार हैं मेरे साथ, जो कि जिन्होंने अभी एमबीए लास्ट सेमेस्टर में है एंड ऑलरेडी ही गॉट अ जॉब। सो ही विल एक्सप्लेन, ही विल शेयर हिज एक्सपीरियंस अबाउट द स्टडी, अबाउट द लिविंग एक्सपीरियंसेस एंड ऑल व्हाट लाइक टाइप ऑफ एक्सपीरियंस ही हैज़। सो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, और इसके साथ ही जो है वो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा और हो सके तो सब्सक्राइब भी करिएगा, और ज़रूरतमंद जो भी बच्चे होंगे जो आना चाहते हैं उनके साथ शेयर भी करिएगा। तो और हम लोग ये बहुत ही अनऑफिशियल टाइप से हमने ऐसे सेटअप बना रखा है, ठीक है? ये कप में वैसे कुछ है नहीं, जस्ट फॉर द फ्रेम जस्ट हमने जो है ये लगा रखा है। और हमारे जैसे रूम में हम लोग को टेबल लैम्प मिलता है, तो दोनों जो है अपने अपने सिर के पास दोनों लोगों ने टेबल लैम्प लगा रखा है ताकि हम लोग दिखे अच्छे से। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो तुषार बताइए भाई, बच्चों का बहुत जो है वो कमेंट आ रहा था कि एमबीए प्रोग्राम जो है वो स्पेशली, जैसे आपने सीजेडीयू में यहाँ से आपने किया है अभी भी लास्ट सेम में, तो अपना एक्सपीरियंस थोड़ा शेयर करिए बच्चों के साथ कि मतलब कैसा है, क्या है एमबीए प्रोग्राम। एक्सपीरियंस तो मेरा अच्छा है कंपेयर्ड टू इंडियन यूनिवर्सिटीज़, यूरोपियन यूनिवर्सिटीज़ के फैकल्टीज़ का नॉलेज मोर प्रैक्टिकल है, और यहाँ पे एग्ज़ाम्स में भी और इवैल्यूएशन के टाइम पे भी थियोरेटिकल से ज़्यादा तुम्हारा जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वो टेस्ट किया जाता है। तुम कितना सोच सकते हो और कितने मतलब सब्जेक्ट्स में भी कैसे, सिर्फ एग्जामिनेशन के थ्रू इवैल्यूएशन नहीं होता है, प्रोजेक्ट वर्क भी होता है। अच्छा, मतलब और इंडियन जो एमबीए प्रोग्राम है उससे अगर कंपेयर किया जाए तो अच्छा है या बुरा है, अगर आईआईएम को छोड़ दिया जाए, जो और भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स होते हैं एमबीए वाले, उनसे अगर कंपेयर किया जाए तो बेनिफिशियल है यहाँ से एमबीए करना या नहीं? बेनिफिशियल तो है। बेनिफिशियल है। हाँ, अच्छा, और इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट? इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट भी ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है यहाँ पे, अच्छा और कॉस्ट यहाँ की ट्यूशन फी भी वैसा देखा जाए तो बहुत से इंडियन एमबीए स्कूल्स के कंपैरिजन में यहाँ की ट्यूशन फी कम है। ओके, और और इसके अलावा जैसे बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन ये होता है कि क्या हम पढ़ाई करते करते जो है वो ट्यूशन फीस अपनी पे कर सकते हैं? पढ़ाई करते करते कुछ बंदे हैं जो ट्यूशन फी ऑलरेडी पे कर रहे हैं, और ओके, उन्होंने पिछले साल की भी कर रखी है। अच्छा, खुद से ही मतलब पार्ट हाँ, टाइम जॉब खुद करके? पार्ट टाइम जॉब करके, रेस्टोरेंट में जॉब करके या फूड डिलीवरी के जॉब करके उन्होंने खुद की फी अपने, और इवन लिविंग एक्सपेंस भी, वाह, और थोड़ा थोड़ा उसमें से इकट्ठा कर करके उन्होंने अपनी ट्यूशन फी भी पे करी है। अच्छा, तो इसका मतलब कि जैसे मुझे ये प्रोफेशनल और कॉरपोरेट कोर्सेज की बहुत ज़्यादा मतलब पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए मैं हमेशा जवाब देने से हमेशा हिचकता हूँ, क्योंकि एज ऑथराइज पर्सन से अगर आप किसी भी जवाब को सुने तो उसकी वैलिडिटी रहती है, बिकॉज मैं कुछ भी कहूँ हवा हवाई बातें या सुनी सुनाई बातें होंगी। तो आप ये बताओ कि जैसे मतलब इसका मतलब पार्ट टाइम जॉब की भी अपॉर्चुनिटी ठीक ठाक है, मतलब बच्चों को मिल जाती है, स्पेशली प्राग की अगर बात करें तो? मिलती है मेरे ख्याल में 3-4 टाइप के, जितना मुझे नॉलेज है, जॉब मिलती है। वेयरहाउस में सामान को ऑर्गेनाइज करने वाली जॉब मिलती है एक, दूसरी मिलती है जैसे फूड डिलीवरी की जॉब तुम कर सकते हो, थर्ड तुम रेस्टोरेंट में जॉब कर सकते हो एज अ शेफ और वेटिंग स्टाफ के तौर पे, जो पार्ट टाइम ये टाइप की जॉब्स है, ओके, और या KFC में या किसी फास्ट फूड रेस्टोरेंट में मतलब कि नॉन स्किल्ड वाले बहुत सारे ऑप्शन होते है, हैं। ऑप्शंस है, बहुत ऑप्शंस, मैं बहुत नहीं बोलूँगा बट
इतना ऐसे ऑप्शंस है कि तुम्हें मिल सकते हैं मतलब मैंने भी वैसे जहां तक अभी तक देखा है ना कि कोई भी बंदा जिसको करना है पार्ट टाइम ना वो बैठा तो नहीं है, सब कहीं ना कुछ कर ही रहे हैं। मतलब आज नहीं तो कल उसको कहीं ना कहीं मिल ही जाता है। मतलब ऐसा नहीं है कि आ करके फंस गया, उसको जॉब ही नहीं मिल रही है, बस बैठा हुआ है, ऐसा नहीं है। ऐसा मतलब नहीं ही देखा है अभी तक तो मैंने। अच्छा ठीक है, तो अब थोड़ा कंपैरिजन पे आ जाते हैं, स्पेशली प्राग के अंदर और भी जो इंस्टीट्यूट जो एमबीए करा रहे हैं, या फिर अगर जैसे अगर आपको एक्सपीरियंस अगर थोड़ा सा हो इकोनॉमिक्स और भी जो मैनेजमेंट के कुछ कोर्सेज होते हैं, तो कंपेयर किया जाए सीजेडयू जो कि लाइफ साइंस की यूनिवर्सिटी है, स्पेशली स्पेशलाइज्ड इसका एग्रीकल्चर में है, जो कि अब कॉर्पोरेट कोर्सेज कराती है, तो इसमें और भी जैसे सीटीयू वगैरह हो गए, चार्ल्स वगैरह हो गए, अगर कंपैरिजन किया जाए तो मतलब क्या कहाँ बच्चों को आप रिकमेंड करोगे कि मतलब करना चाहिए अगर वो आते हैं तो यहाँ पे, जैसे फाइनेंस के भी कोर्स हो गए, फाइनेंस के भी कोर्सेज है तो आईटी भी ले लो, हाँ ये सब कुछ तो प्रॉपर। अगर देखो दो यूनिवर्सिटीज़ है जो मुझे लगता है कि उनकी रैंकिंग बेटर है अपने सीजेडयू से, वो है एक है यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक्स। अच्छा हाँ एक है जो जो स्पेशली इसी चीज़ के लिए है, हाँ हाँ प्राग में ही है, एक यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक्स है और एक है वैसे है वीएसई, वही है यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक्स हाँ ना? वो शायद हाँ हाँ उसकी उस वो एक है और एक और है यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क इन प्राग। अच्छा ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी लग रही है, प्राइवेट है ये? हाँ ये प्राइवेट है। तो वैसे जो फैकल्टी ऑफ इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट है सीजेडयू में, वो उसका भी वो काफ़ी वो भी पुरानी फैकल्टी है, तो और प्रोफेसर्स और जो डिपार्टमेंट्स भी है उनके जो हेड है वो भी काफ़ी मतलब एक्सपीरियंस्ड है। तो इन कंपैरिजन टू बाकी बड़े यूनिवर्सिटीज सीजेडयू का रैंक भले थोड़ा कम हो, बट तुम्हें नॉलेज यहाँ से मिलेगा जो तुम्हें बाकी यूनिवर्सिटीज़ में भी मिलेगा। ऑफ कोर्स डिफरेंस सबसे बड़ा ये आता है कि तुम्हारे साथ जो कलीग्स रहेंगे बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में वो थोड़े ज़्यादा क्वालिफाइड होंगे, थोड़े ज़्यादा वेल एजुकेटेड होंगे, नेटवर्किंग अच्छी है, हाँ वो और बड़े एक्सपीरियंस और अलग अलग क्या कहते हैं उसको डोमेन का जो नॉलेज का जो लेवल होगा वो ज़्यादा बड़ा होगा इन कंपैरिजन टू सीजेडयू के स्टूडेंट्स के मुकाबले। और अगर तुम्हें इंग्लिश में कोर्स नहीं पढ़ना है, चेक में एमबीए करना है, तो एक और ऑप्शन है कि तुम चार्ल्स यूनिवर्सिटी में एक लैंग्वेज की फैकल्टी है वहाँ पे एनरोल कर सकते हो। चेक में तो कौन ही करेगा, हाँ चेक में तो कौन ही करेगा, कर सकते हो, उसका पीछे मैं रीज़न बता रहा हूँ क्यों। अच्छा सबसे बड़ा रीज़न ये है कि अगर तुम चेक लैंग्वेज में कोई कोर्स यहाँ करते हो, नहीं तो आती नहीं है ना लोग, कैसे आएगी चेक, वन ऑफ द हार्डेस्ट टफेस्ट लैंग्वेज इन वर्ल्ड है। वो तो है बट सीखने जाओ तो सीख सकते हो अच्छे से, इट्स नॉट इम्पॉसिबल। मैंने खुद के दम पे बेसिक बहुत बेसिक चेक सीखा की है, मतलब बहुत ही A1.1 कह सकते हो या A1.2, थोड़ा बहुत मैंने थोड़ा प्रैक्टिस किया उस पर, बट इम्पॉसिबल नहीं है। तो मैं ये बता रहा था कि चार्ल्स यूनिवर्सिटी में एक लैंग्वेज की फैकल्टी है जहाँ पे पूरा एक 2 सेमेस्टर का काफ़ी लंबा कोर्स होता है, दे टेक यू फ्रॉम C1 तक तुम जा सकते हो। सो दे बेसिकली टॉट चेक लैंग्वेज प्योरली, और उसका फ़ायदा ये है कि उसके बाद में तुम्हें जो कोर्स पढ़ना है, जैसे तुम्हें MBA पढ़ना है, इन MBA इन चेक तुम कर सकते हो। ओके उसका करिकुलम पूरा आफ्टर टू सेमेस्टर मतलब 2 सेमेस्टर हम वो लैंग्वेज करेंगे, हाँ 2 सेमेस्टर तुम सिर्फ लैंग्वेज पढ़ोगे। अच्छा उसके बाद जब तुम MBA इन चेक करोगे तो तुम्हें ट्यूशन फीस 0 हो जाएगा। या सेम लैंग्वेज जर्मनी और जितने भी मतलब वहाँ पे भी ऐसा है कि जहाँ जो उनकी लोकल लैंग्वेजेस में कोर्सेस है वो उसके ट्यूशन फी नहीं है,
तो मैं कॉस्ट बचाना है अपना, और तो ये एक तरीका कर सकते हो कि पहले वहाँ की लोकल लैंग्वेज सीखो और फिर इनके ही लोकल लैंग्वेज में अगर तुम्हें कोर्स करना है तो वो ज़्यादा इजी हो जाएगा तुम्हें। और पता है ये चीज़ ना यूरोप के सारी जितने भी मतलब खुद की जो लैंग्वेज को जो प्रेफर करते हैं और ऑलमोस्ट सारी कंट्री यूरोप में है, वो सभी ये बेनिफिट देती हैं कि अगर हाँ उनके लैंग्वेज में अगर आप कोर्स करोगे, जैसे इटली में जाओ तो इटालियन में, स्पेनिश में, स्पेन में, इधर जर्मन, इधर यहाँ पे, तो वो फ्री ऑफ जो है वो मतलब विदाउट ट्यूशन फीस वो ऑफर करते हैं कोर्सेज को. तो ये तो है ही, थोड़ा सा डिफरेंट वे है, हार्डर वे है ये. बट इसके बहुत बहुत फायदे हैं फ्यूचर में तुम्हें यहाँ पे यहाँ लेकिन के। इसका ना एक डिसएडवांटेज ये लगता है कि आप फिर इस कंट्री के अलावा और कहीं पे ऐसा कुछ आप नहीं है, एक्सप्लोर नहीं कर ऐसी कोई सकते, बात नहीं है, मैं तो बताता हूँ आपकी क्यों। डिग्री वैलिड होगी अगर आप चेक में, अगर हाँ, क्यों? क्योंकि ये जो डिग्री है ये पहली बात तो चेक रिपब्लिक यूरोपियन यूनियन का पार्ट होता है, और इसके जो यहाँ से बहुत से स्टूडेंट्स इरास्मस में जाते भी है बाहर, इरास्मस प्रोग्राम में बाहर यूनिवर्सिटीज से यहाँ भी आते हैं बाकी यूरोपियन कंट्रीज से। एक फायदा ये एक और है कि यूरोपियन डिग्री अगर है किसी EU के स्टेट की डिग्री तुम्हारे पास है तो उसके दम पे तुम्हें और अगर तुम्हें एम्प्लॉयमेंट आगे चाहिए यूरोप में तो ज़्यादा फायदा होता है। रही बात लैंग्वेज की, तो लैंग्वेज का फायदा ये है कि ये जो चेक लैंग्वेज है ये जितने भी स्लाविक कंट्रीज है इनकी सब लैंग्वेज बहुत सी सिमिलर है, तो तुम्हें पोलिश सीखना भी, पोलिश अगर तुम्हें चेक आती है तो पोलिश पोलिश तुम्हें समझने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर तुम्हें पोलिश आती है तो तुम्हें यूक्रेनियन या स्लोवाकियन समझने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर तुम्हें यूक्रेनियन आती है तो रशियन या बाकी जो बाकी जितने भी स्लाविक कंट्रीज है उसके ये सब सिस्टर कंट्रीज है, समझ. ये इनके लैंग्वेज में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर स्लाविक कंट्री के बारे में बता दूं कि क्या है, तो जो USSR का जो इम्पैक्ट, मेन स्लाविक कंट्री USSR थी और उसके अलावा यानी रशिया आज के टाइम पे, तो उसका इम्पैक्ट जितने जियोग्राफिकल एरिया में था वो सबको आज के टाइम पे स्लाविक कंट्री बोला जाता है. तो जैसे चेक रिपब्लिक हो गया, स्लोवेकिया हो गया, स्लोवेनिया का कुछ पार्ट, ऑस्ट्रिया का भी कुछ पार्ट, हंगेरी, इसके अलावा पोलैंड, यूक्रेन, ये सब कुछ होते हैं स्लाविक कंट्री में आते हैं. नीचे भी शायद वो मैसेडोनिया वाला पार्ट भी शायद वो स्लाविक, बालकन रीजन है, बालकन मतलब वो भाग स्लाविक में वो नहीं आता. स्लाविक में नहीं आता अच्छा है, ठीक है. मैसेडोनिया और ये सब हर जो हर्जिन गोवी ना, पता बॉस्निया नहीं कैसे नाम. हर्जेगोविना फिर हाँ मोल्डोवा वगैरह जो है, ठीक है. तो तो और ये हाँ एक जो मेन क्वेश्चन और बच्चों का रहता है ये कि प्रोसेस क्या है एडमिशन का MBA में. प्रोसेस तो ये है कि पहले तो तुम्हें अपने सब डॉक्यूमेंट्स रेडी करने पड़ेंगे। सबसे मेन डॉक्यूमेंट्स तो मतलब पासपोर्ट क्या. है, ओके पासपोर्ट पासपोर्ट्स, सबसे हाँ मेन वो तो है। ऑब्वियसली. दूसरा ये है कि तुम्हारे पास तुम्हारा ट्रांसक्रिप्ट होने चाहिए, जो भी तुम्हारे बैचलर डिग्री के ट्रांसक्रिप्ट्स होने चाहिए पूरे सेमेस्टर के। फिर तुम्हारा जो डिप्लोमा सर्टिफिकेट है डिग्री डिग्री वाला. का, हाँ वो एक होना चाहिए। दूसरा एक है तुम्हारे को पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा। फिर तुम्हें और बनाना आई थिंक पड़ेगा दैट्स नॉस्ट इनफ. क्या इसके बाद नोटिफिकेशन हाँ, और होगा बस. नॉस्टिफिकेशन कराना पड़ेगा। नॉस्टिफिकेशन प्रोसेस ये है कि तुम्हें अपने यहाँ की जो एजुकेशन सिस्टम है वो इंडियन एजुकेशन सिस्टम से कंपेयर कर तुम्हारी डिग्री को कंपेयर किया जाएगा। कि जैसे मान लो तुम्हारी डिग्री है BSc इन मैथमेटिक्स, मान लो मुंबई यूनिवर्सिटी से है, तो वो डिग्री यहाँ के एजुकेशन सिस्टम के बैचलर डिग्री के पैरेलल है के कि नहीं. पैरेलल उसके उससे पैरेलल एक कोर्स ये लोग पता करते हैं, ढूंढ के निकालते हैं, फिर वहाँ उस इंस्टीट्यूट में या उस यूनिवर्सिटी में तुम्हारी डिग्री को भेजा भेजा जाएगा। तुम्हारे ट्रांसक्रिप्ट्स को पूरी तरह से उनके करिकुलम उनके सब्जेक्ट्स के साथ में मैच करेंगे कि अब हमारे यहाँ जो पढ़ाया गया था मुंबई यूनिवर्सिटी में जो सब्जेक्ट्स थे वो यहाँ की यूनिवर्सिटी के मैथमेटिक्स की फैकल्टी में वो सब सब्जेक्ट्स आते हैं क्या, और अगर आते अच्छा हैं तो फिर
कितना करिकुलम सिमिलर है और अगर तुम उसमें पास हो सकते हो, उसमें तुम्हारा अच्छा ग्रेड आ सकता है, तो वो लोग ये मानेंगे कि तुमने यहाँ पे भी तुमको अच्छा ग्रेड मिलेगा। मतलब अगर वो सेम कोर्स बैचलर डिग्री का तुम यहाँ पे करते तो तुम्हें अच्छा स्कोर आता। तो मतलब कि नॉस्टिफिकेशन का यही मीनिंग है मतलब कि कोर्स कंटेंट भी उन लोग जज हाँ करते हाँ हैं, इसके सब्जेक्ट्स जज अलावा करते हैं, सब्जेक्ट्स जज करते हैं, और इसके मतलब वही है कि पैरेलल है कि नहीं यहाँ के पैरेलल है कि स्टैंडर्ड नहीं। के हिसाब एग्जैक्टली से। तो ओके तो ठीक है। वो एक हाँ वो चीज़ नॉस्टिफिकेशन। मैंने वैसे एक सेपरेट वीडियो में बता रखी है कि कैसे आप नॉस्टिफिकेशन कराओगे, कि कैसे पहले आपको स्टाइल कराना होता है, उसके बाद सारी चीज़ें, वो सब बात होती रहेंगी। ठीक है, तो और क्या क्वेश्चंस होते हैं यार, अब तो मेरे दिमाग में नहीं आ रहे हैं। हाँ, और होता है एक है, एक और डॉक्यूमेंट होता है, तुम्हें इंश्योरेंस बनाना पड़ेगा, कॉम्प्रिहेंसिव अच्छा हाँ, फॉरेनर्स इंश्योरेंस बहुत महंगा है, मेरा खत्म होने वाला इंश्योरेंस बनाना पड़ेगा है। जो एक साल का बनता है। फिर तुम्हें बैंक में अपने एक कुछ फंड दिखाना पड़ता है। हाँ, ब्लॉक हाँ, अकाउंट जो होता है तुम्हें अपने बैंक वो कितना है MBA के लिए? उसके लिए है समथिंग 3 लाख, 3 लाख और फिफ्टी थाउजेंड अभी तो बहुत बढ़ गया अब होगा, के अभी तो इन्फ्लेशन फोर पे। लाख के ऊपर चला गया है, अच्छा 4 लाख समथिंग मान लो, मैक्स टू मैक्स 4.5 लाख, मतलब मैं बहुत मैक्सिमम बता रहा हूँ, बट एवरेज हो सकता है 4 लाख के करीब। बट वही, तुम अगर क्या, करेंसी को अगर वो किया जाए ना, क्योंकि थ्री हाँ पॉइंट एट एग्जैक्टली और क्योंकि चार चली इन्फ्लेशन गई यहाँ है। पे मतलब बहुत बढ़ चुका है पिछले 1-1.5 साल में, जो ये वॉर की वजह से। समझ रहे हो। तो और तुम्हें दिखाना पड़ेगा सर्टिफिकेट में इंटरनेशनल डेबिट डेबिट कार्ड जो तुम्हारा वैलिड होगा, आउट ऑफ इंडिया भी जो वैलिड होगा, ऐसा तुम्हें एक डेबिट कार्ड हाँ का दिखाना हाँ पड़ता है। ये जब आपको वीज़ा का कंफर्मेशन का, जब अपॉइंटमेंट का जब मेल आता है ना, तो उसमें पॉइंट्स लिखे होते हैं कि आपको ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो लेकर के आने हैं, तो उन सारे डॉक्यूमेंट को आपको प्रिपेयर कर लेना है। ये मतलब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न वैसे नहीं होगा अगर। और इसके अलावा आप एक चीज़ और बताओ कि बच्चों को खुद से ही ये सारा प्रोसेस करना चाहिए कि कंसल्टेंसीज की हेल्प लेना खुद चाहिए? के थ्रू करने में ज़्यादा समझदारी है, और खुद के थ्रू करोगे तो ज़्यादा मतलब प्रोसेस की ज़्यादा अच्छे से समझ होगी, पैसा भी बचेगा ऑफ कोर्स, क्योंकि कंसल्टेंसी वाले तो पैसा ले लेंगे, बट अगर तुम्हें खुद के ऊपर ये हो रहा है कि यार तुम्हें प्रोसेस पूरी तरह समझेगी नहीं, तो तुम कंसल्टेंसी का हेल्प ले सकते हो। बट कंसल्टेंसी चूज़ करते टाइम पे भी बहुत केयरफुली चूज़ करो, क्योंकि बहुत सी कंसल्टेंसीज बहुत सारा पैसा ले लेती है, तो उस पर थोड़ा सा मतलब ध्यान देना ज़रूरी है मेरे को लगता है। और तो आई थिंक कि सारी चीज़ें कवर हो गई हैं, जितनी ऑलमोस्ट जो मेजर पॉइंट्स हैं, जैसे कि हमने जॉब के बारे में आपको बताया, पार्ट टाइम के बारे। अच्छा बस एक क्वेश्चन लास्ट मेरे दिमाग में भी आया कि MBA करने के बाद, या कोई भी ये प्रोफेशनल कोर्स कॉर्पोरेट वाले करने के बाद, जॉब की क्या अपॉर्चुनिटी है? बिकॉज पढ़ाई इज़ जॉब की नॉट द अल्टीमेट। अपॉर्चुनिटी तुम्हें तब मिलेगी जब तुम्हें एक तो सब दो चीज़ें हैं, तुम्हारे पास डिग्री है, गुड, वेल एंड गुड, तुम्हारे पास नॉलेज होना चाहिए, स्किल, जो कि यहाँ के जॉब मार्केट में जिसकी नीड है। जैसे तुम्हारे पास SAP का नॉलेज है क्या, SAP के टूल्स है, मैं यहाँ के जो मेजर कॉरपोरेट कंपनीज है उसकी बात कर रहा हूँ, फिर है डेलॉइट है, तुम्हें प्रोग्रामिंग कोडिंग में अगर जाना है तो तुम्हें उसका कोई लेवल का नॉलेज है क्या। ये देखो प्योरली मास्टर डिग्री MBA, जनरल MBA के ऊपर तुम्हें जॉब लग जाए, ऐसा ऐसा मतलब सोच के चलना थोड़ा सा अनरियलिस्टिक है। मतलब कि डिग्री के साथ एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस, इज डिग्री, मस्ट, स्किल, और सबसे बड़ी स्किल्स, बात तो मैं कहूँगा तुम्हें चेक लैंग्वेज, यहाँ की लोकल लैंग्वेज अगर लैंग्वेज आती इज द है मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। तो तुम्हारा बहुत से दरवाजे खुल जाएंगे, मतलब तुम सोच नहीं सकते हो यहाँ के कितने दरवाजे तुम्हारे लिए खुलेंगे हर लेवल पे। अगर तुम किसी कंपनी में जॉब, तुम्हारे को जॉब लग भी जाती है, और अगर तुम जूनियर एसोसिएट लेवल पे हो और तुम्हें चेक नहीं आती है, तो तुम्हारे को प्रमोशन मिलना डिफिकल्ट है, क्योंकि मिड मैनेजमेंट लेवल पे या सीनियर लेवल पे तुम्हें अगर बढ़ना है तो तुम्हें चेक लैंग्वेज आना चाहिए। ये कोई बुरी बात नहीं है,
ये बहुत नॉर्मल और बहुत ही लॉजिकल चीज है, क्योंकि ऑब्वियसली हाँ यहाँ हम इनको बदल नहीं सकते। ऑब्वियसली यार, कि अगर कोई भी बंदा अगर इंडिया में ही मान लो जाता है, वो चलो इंग्लिश के बल पे उसकी जॉब लग जाती है, मान लो कोई फॉरेनर हो, उसको वो खुद भी वहाँ के लोगों से, वहाँ के कल्चर में घुलने मिलने के लिए थोड़ी बहुत हिंदी टूटी फूटी चीज़ें तो सीखेगा ही। तो वैसे ही यहाँ की चीज़ों में है कि ये आप फॉरेन लैंग्वेज एज अ कम्युनिकेशन लैंग्वेज आप इंग्लिश को तो लेकर के आते हो, बट यहाँ के लोगों के साथ घुलने मिलने में ऑब्वियसली जो है इनके कल्चर में, जो प्रोफेशनल कल्चर है उसमें आपको ग्रो करने के लिए यहाँ की इनकी लैंग्वेज तो आनी ज़रूरी है ही। वो पर्टिकुलर कोई भी कंट्री हो सकती है, अभी हम चेक की बात कर रहे हैं तो चेक लैंग्वेज ज़रूरी है। और चेक लैंग्वेज के बहुत फायदे हैं, मतलब सिर्फ कॉर्पोरेट लेवल पे ही नहीं, इवन तुम्हें यहाँ पे कहीं भी जाना है, मार्केट जाना है, या तुम्हें कुछ ऑफिशियल काम है, कोई ब्यूरोक्रेटिक कोई मिनिस्ट्री में जाना है, हाँ वो इंग्लिश नहीं बोलते या हैं। बैंक में जाना है तुम्हें, या हाँ कोई डॉक्टर के पास जाना है, तो वो लोग हाँ इंग्लिश लोग नहीं बोलते, नहीं बोलते हैं। या अगर बोलते भी है तो उनको उतनी अच्छे से आती नहीं है, तो उन हाँ लोग को भी डिफिकल्ट आता है बोलना। वहाँ अगर तुम्हें चेक लैंग्वेज आती है तो तुम्हें बहुत सारा काम तुम्हारा सिंपल हो जाएगा। फिर और क्या कह रहा था वही मैं, है, मतलब सिंपल सी बात की ईज हाँ ऑफ लिविंग है अगर आप यहाँ पे सीखते हो तो। ठीक है, डन है। इसके अलावा अगर कोई पॉइंट छूट गया, मोटा मोटा तो यही पॉइंट होता है, जैसे मैं अगर अभी तो मैं देखो, मुझे तो सारा एक्सपीरियंस जो है वो साइंस को लेकर के है अपनी फील्ड में, ठीक है, नेचुरल साइंस को लेकर के। अब भाई के पास जो है वो सारे कॉर्पोरेट को लेकर के नॉलेज है। अब इसके अलावा जो है, जो मेन मेन पॉइंट जैसे होते हैं जॉब के रिगार्डिंग, कि जॉब सेक्टर, अच्छा जॉब सेक्टर सिर्फ कौन से जॉब सेक्टर यहाँ पे जो है वो मेजर जो मेजर जो है, है यहाँ पे एक तो ऑटोमोटिव ऑटोमोबाइल होगा। सेक्टर यहाँ काफी अच्छा है, क्योंकि स्कोडा ऑटो चेक की कंपनी है, और बाकी जो बाकी भी जितने कंपनीज हैं उनके भी यहाँ पे ऑफिसेस है, मतलब ऑटोमोटिव सेक्टर है। फिर कॉर्पोरेट कॉर्पोरेट में देखा जाए तो आईटी सेक्टर भी यहाँ पे जो मेजर कंपनीज है वो सब तुम्हें मिलेंगे, अमेजोन भी है यहाँ, ई कॉमर्स की अगर बात की जाए। अच्छा अमेज़ॉन है यहाँ। हाँ है अमेजोन है। फिर फाइनेंशियल कंसल्टेंसी में तुम्हें मिलेगा यहाँ पे पीडब्ल्यूसी है, डेलॉइट है। फिर अगर वो डिपेंड्स ऑन योर स्किल भी, क्योंकि प्राग एक बहुत मेजर शहर बहुत पुराने टाइम से रहा है, हिस्ट्री से अगर देखो देखा जाए तो प्राग को मदर ऑफ ऑल सिटीज भी बोलते हैं, मतलब यूरोप में। तो यहाँ पे पहले से ट्रेड वगैरह काफ़ी होता था, और अभी भी यहाँ पे जितने भी मेजर बड़ी कंपनीज है वो सब सब एस्टेब्लिश्ड है यहाँ पे। ओके, सो मेजर कॉर्पोरेट सेक्टर कुल मिलाकर के भरमार है, ठीक है। और ठीक है, तो मतलब मोटा मोटा हमने जो है वो हर एक पॉइंट को टच कर लिया। इसके अलावा अगर पॉइंट आपको लगता है कि कुछ छूटा हुआ है या कोई भी कंफ्यूजन है, तो आप जो है वो वीडियो पे कमेंट करिए और आप पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि एज सुन एज पॉसिबल मैं रिप्लाई करूँ। एंड इसके अलावा जो है दोस्तों, ऐसे ही मैं अलग अलग कोर्सेस के जो मेरे दोस्त हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं या पढ़ाई कर चुके हैं, मैं उनको भी वीडियो में लाने की कोशिश करूंगा ताकि लाइव एक्सपीरियंस जो है वो आप सभी तक पहुंचा पाऊँ। तो ठीक है, फिर एंड करते हैं वीडियो को। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, बाय बाय।